नमस्कार दोस्तों, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज यहाँ मैं खुद बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पंडित कुमार बोस जैसे एक लीजेंडरी तबला प्लेयर से बातचीत करना ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन यहाँ मैं कुछ चंद सवाल आप सबके तरफ से उनको पूछूंगा और ज्यादातर हम उन्हीं की जुबान में उन्हीं की कहानी सुनेंगे। पंडित कुमार बोस 70 साल अब उनके हो रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से 65 इयर्स ही इज प्लेइंग तबला। इनका पहला तबले का प्रोग्राम इन्होंने 4 साल की उम्र में किया था। आजकल तो फैशन है चाइल्ड प्रोडिजी सब बोलते रहते हैं, लेकिन ये असल में चाइल्ड प्रोडिजी से लेके आज लीजेंडरी माइस्ट्रो बन गए। और हम जानना चाहते हैं कि ये कहानी क्या है, ये जर्नी क्या है पंडित जी का। आप सब लोगों ने ये तो उनसे सुना है, तबले के वर्कशॉप्स करते हैं, मैं तबले का कोई माइस्ट्रो नहीं हूँ या कोई जानकारी इतनी नहीं मुझे, लेकिन मैं एक इंसान पंडित कुमार बोस जो आज आप सबके सामने हैं उसके पीछे के कुमार बोस जी का थोड़ा खोज करते हैं। कुमार जी, आप एक म्यूजिकल परिवार में ही आपका जन्म हुआ और आपकी पहली शिक्षा तो आपके पिताजी ने ही आपको दी, विश्वनाथ जी बोस और आपकी माता जी भारती जी, इन दोनों ने ही आपकी तबले की जो नींव कहते हैं या आपकी शिक्षा की नींव रखी। आपकी जिंदगी में बहुत सारे गुरु आए, तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का महत्व क्या है और गुरु के बारे में आपके विचार क्या? मैं सबसे पहले एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप लोग सब आए हैं। आप लोगों को धन्यवाद और सारे गुरुजनों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद, क्योंकि वो आए तो ये सफल है। तो बहुत कुछ कहने को जो आपने सवाल किया है, सवाल छोटा है लेकिन जवाब बहुत लंबा है, मैं जानता हूँ। रात बीत जाए क्यों कि गुरु, देखिए गुरु तो हमारे तबले का जो गुरु है तो वो मेरे नाना जी से, मैटरनल ग्रैंडफादर, वो भी शौक से बजाते थे और मैं बचपन में वहां रहा। सबसे शुरू में मैंने आफ्टर नर्सिंग होम आई जस्ट डायरेक्टली वेंट टू हिज प्लेस, तो और वहां से जो है 14 साल तक मुझे नाना जी इतना प्यार करते थे, आने नहीं दिया इधर। तो खैर, तो शुरुआत वहां से ही हुआ, उनको बजाते हुए देखते थे और हर शाम को वो वैसे ही वैसे ऑडिटर ऑफ बाउंड्री डिपार्टमेंट 32 गार्डन का जो है 32 गार्डन वॉज अंडर हिज, तो वो लेकिन शाम को वो घर में एक ऐसा था नियम कि जो भी है नौकरी करो या पढ़ाई करो जो भी करो, शाम को 6 बजे सबको घर में आना है। और एक जगह जो उनके बेडरूम हुआ करता था, तो बहुत बड़ा था, काफी लंबा, और उनके सामने थोड़ा सा जगह था, तो वहां बैठो चटाई बिछा करके, और मौसी हमारी सबसे छोटी मौसी जो है और बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो दो भजन, दो माँ काली के नाम श्यामा संगीत हम लोग बोलते हैं हमारे, तो तबले का तो फिर दूसरा रूप देखने को आया, क्योंकि वहां तो नाना जी एक एमेचरिस्ट थे और ऐसे ही थोड़ा सा भजन भजन के साथ बजा करते, यहाँ आए तो यहाँ फिर टुकड़ा और तिनता पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उस समय उम्र तो बहुत कम था, लेकिन टुकड़ा तो हम समझते नहीं थे, लेकिन समझते ये थे कि बहुत बड़ा कुछ आवाज भी हो रहा है और इधर क्या बात हो रहा है, पिताजी बड़ा तकलीफ उठा के बजाते हैं, बड़ा मेहनत होता है, ये सब पता नहीं ये क्या है। तो इस तरह जो है, और रात को माँ हमारे सितार बजाती थी, दबीर खान साहब के शागिर्दा थी और पिराली अकबर खान साहब से भी गंडावन हुआ, तो रात को जो है माँ और पिताजी दोनों बैठ के रियाज करते थे।
तो हम लोग जो है भाई लोग, हम लोग उस समय, हमारा छोटा भाई जो देवज्योति है वो उस समय नहीं था, मैं और जयंत बोस, तो माँ के दो साइड में एक इधर सर में सर इधर करके और एक उधर सर करके हम लोग सो जाते थे, क्योंकि रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक प्रेयर चलता था और हम लोगों को तो नींद आता था, तो हम लोग सो जाते थे, लेकिन सुनते सुनते सो जाते थे और पिताजी बजाते थे सामने। तो यहां से संगीत का जो है अंदर जाने लगा और रियाज क्या चीज है ये सब जो है थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया। फिर बाद में पिताजी का एक बार शांता प्रसाद जी और पिताजी का तबला मोहम्मद अली पार्क में, उस दिन पिताजी भीमसेन जी के साथ ऐसा तबला बजाए और शांता प्रसाद जी का तबला थोड़ो था, तो वो तबला सुन के पता नहीं होता है ऐसा कुछ कि उस दिन थोड़ा ऐसा है कि ऐसा लगा कि यार तबला मुझे बजाना चाहिए और बिल्कुल इस तरह तबला बजना चाहिए। तो मैं बीच वो होल नाइट का प्रोग्राम था क्योंकि आखिरी आइटम इसमें लगा सकता था, तो लेकिन बीच में रात को 3 बजे मैं मेरे पिताजी के एक शागिर्द उनके हाथ पकड़ के पिताजी को बोल करके मैं घर चले आया कि मुझे घर जाना है। तो पिताजी भी बड़ा हैरान हुए कि ये बीच में क्यों बोल रहा है घर जाने का, खैर ले जाओ। तो जा करके मैं 3 बजे घर पहुंचे, 3:30 बजे, मोहम्मद अली पार्क हमारे इलाका से बहुत दूर नहीं था, पहुंच के मैं तबला लेके बैठा और वो जो मैंने तबला लेके बैठा मन में एक जिद एक प्रॉमिस लेके बैठा था कि वैसा तबला हम बजाएंगे तब हम उठेंगे तबला से, वरना हम कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में। तो वहां से मेरा रियाज शुरू हुआ और फिर हम बजाते गए तो उसमें पढ़ाई का भी थोड़ा सा कम हो गया, खेलकूद का भी कम हो गया, हम निकलते नहीं थे। तो माँ को ये बात थोड़ा सा गौर की माँ, तो पिताजी को उन्होंने कहा कि ये बात क्या है जरा पूछो, सुबह शाम तबला ही बजा रहा है एकदम से। तो पिताजी हमको पूछे कि क्या है बात क्या है, माँ ऐसा बोल रहे थे, उन्होंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बजा रहा हूं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा नोट किया जाए, मुझे अच्छा लगा तो मैं बजाना शुरू किया। तो पिताजी बोले कि देखो 2-3 बात हम तुमको बोल दें, तुम तबला बजाना चाहते हो बजाओ, हम तुमको 2 वक्त की रोटी जरूर दे देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर खर्च करो तुम्हारा नाम हुआ तो तुम्हारे पास सब कुछ है और अगर नहीं हुआ तो शायद 2-4 ट्यूशन करके अपना जिंदगी बिताना पड़ेगा, इसको जान के तुम बजाओ। तो मैंने उस समय पिताजी से कहा कि मुझे नाम क्या चीज है ये तो मुझे पता नहीं और नाम होने से क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं, मैं समझता ही नहीं था, वो मेरा उम्र था ही नहीं। और रही बात ना होने से जो आप डरा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा ये नहीं होगा, तो आज कौन सा राजमहल है, आज तो हम लोग जमीन पे ही सोते हैं, हम सब जमीन पे सोते थे और इस तरह हम लोग खुश हैं, ऐसा कोई शिकायत नहीं है, हम जमीन पे सोते हैं तो क्या हुआ, हमको सब कुछ है, आनंद है, मन में दोस्त है, यार है, खाना है, कपड़ा है, सब कुछ है। तो बोले ठीक है फिर बजाओ। तो यहां से मेरा तबला शुरू है और मैं बजाता गया और सही में हमें कुछ कभी पता नहीं चला और मैं आज भी तबला बजाता हूं तो भगवान का बहुत कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं तबला पैसे के लिए नहीं बजाता और ना ही मैं नाम करने के लिए बजाता हूं, मुझे संगीत से प्यार है, तबले से प्यार है, मुझे अच्छा लगता है, मैं संगीत के बगैर जी नहीं सकता।
मैं खेल कूद में बहुत अच्छा था, एजुकेशन भी मेरा अच्छा था, आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैंने तबला ही चॉइस किया इसलिए कि मुझे अच्छा लगता था। अब इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ जरूर अभी उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा जो है उनका स्पर्श भी मिलता है, गुरुओं का चरण का स्पर्श भी मिलता है और बड़ा आनंद मिलता है बजाने से, जो आनंद मेरे ख्याल से कहीं और नहीं मिल सकता। इसमें एक चेंज आपकी जिंदगी में और एक बार आया जब आप पंडित किशन महाराज जी से मिले। बिल्कुल, कैसे मिले? जिंदगी में कई बार चेंज आता है और गुरु जी को मैंने पहले देखा तो था, मेरे ताया जी के घर में वो सोनू बजाने आते थे आए। अच्छा। मेरे पिताजी जब भी गुरु जी आते थे, बाबा आते थे, बड़े गुरु जी आते थे तो घर में कोई ना कोई मैथिल करते ही थे। तो जब गुरु जी आए तो उस समय मेरा उम्र था कुछ 10-12 साल की उम्र था, लेकिन धाड़ घेते घते ना कि धार घेते घते ना कि ये आज तक मुझे याद है ऐसा उन्होंने बजाया था। तो तब से इस आदमी से मुझे प्यार था और कभी मौका मिलेगा तो हम इनसे मिलेंगे, इनसे सीखेंगे, ऐसा मेरा दिमाग में था। जब पिताजी का देहांत हुआ तब हम कंधा बांधन तो हुआ, लेकिन मन से हम बहुत पहले से जुड़े हुए थे और बनारस जितने बार हम गए तो गुरुजी से मिले, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल था बहुत दिन तक जब शुरू में हम गए। अभी थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि इतना ज्यादा जैम और इतना गाड़ी सब मुश्किल है, लेकिन काफी हद तक मतलब 70s-80s का पूरा 20 साल तक मैं जब भी बनारस जाता था मैं ट्रेन से उतर के होटल में मैं खाली सूटकेस रखता था और कपड़ा चेंज करके फौरन मैं चला जाता था शंकर मोचन मंदिर, वहां दर्शन करता था, फिर वहां से मैं बाबा विश्वनाथ मंदिर आते थे वहां दर्शन करता था, फिर वहां से गुरु जी के घर आते थे, फिर बड़े गुरु जी के गले में माला चढ़ाते थे वो उनके मूर्ति में गुरु जी को माला चढ़ाते थे, फिर हम होटल आके खाना खाते थे, तबला पकड़ते थे। इसके बगैर मैंने कभी तबला भी नहीं छुआ और कभी पानी भी नहीं स्पर्श किया 20 साल तक। तो मैं जाता आता था, उसके बाद मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं गंगा आपसे बनवाना चाहता हूं। तो गुरुजी बोले क्यों? अच्छा मैं सोच के बताता हूं तुम्हें। तो बाद में राजन भाई से खबर मिला कि हाँ वो तैयार है और गंगा बदन तो हुआ, लेकिन यही सवाल था सबके सामने, जो साहब थे और सब आए हुए थे लाला जी के घर पे। तो गुरुजी बोले कि तुम हमसे अभी तो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सा नाम भी हो गया, बजा भी रहे हो ठीक ठाक और देश विदेश, तो हमसे क्यों गाना तुम बजवाना चाहते हो? तो मैंने पिताजी गुरुजी से ये कहा था, देखिए आप वैसे तो आपके पिताजी से मेरे पिताजी ने सीखा है, वैसे हमारा संपर्क जो है आपके घर से है ही, और दूसरा है पिताजी के बाद आप उम्र में भी बड़े हैं मेरे पिताजी से, तो माथे के ऊपर एक छत होना बहुत जरूरी होता है, जितना भी जिंदगी में वो रहे छत वो अच्छा है, और गुरु से अच्छा छत कहाँ होगा, क्योंकि भगवान से भी ऊपर उनका स्थान है गुरु का। और जैसे उस दिन हमने बताया कि गुरु के चरण में ही भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, तो इसलिए आपके पास मैं आया हूं, क्योंकि मुझे भी जितना दिन आपका साय में रख के तालीम भी मिलता जाएगा और आप है तो मुझे क्या चिंता, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु जिसके स्ट्रांग होता है उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो राहु हो शनि हो केतु हो, कुछ एस्ट्रोलॉजर लोगों को पूछिएगा, गुरु जिसका श्रम हो और ऐसी जगह पे वो बैठते हैं कि वहां से दृष्टि सबके पास जाता है और सबको वो शासन करते रहते हैं, किसी का मजाक क्या है कि उसका नुकसान पहुंचा है। तो इसलिए गुरु हमारा था, हमारे साथ बहुत प्यार था हमारे साथ, तो बहुत ही अच्छा उनका संपर्क रहा। मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ, बहुत फील करता हूँ गुरु जी को,
मैं क्या बताऊं, मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मेरा आंखें भर उठता है और मैं बड़ा मिस करता हूं उनको। यही प्यार और आपका जो डेडिकेशन है गुरु के प्रति, वही आज तक यहाँ तक आपको लाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ नहीं, ये जो आप लोगों ने हमारा सम्मान किया है, मैं ध्यान लगा के मैं उनको ही देख रहा था कि गोपाल गुरु जी के रूप से बैठे हुए हैं और उन्हीं का पूजा आप लोग कर रहे हैं। मैं अपने आप को नहीं देख रहा था और मैं था भी नहीं और मैं हूं भी नहीं। मैं तबला लेके बैठता हूं, बजाते वो है। ये बात बहुत सच है, क्यों कि जिस तरह हमने रियाज किया, आज मैं खुद सोच के हैरान होता हूं जी। जिस तरह मैंने रियाज किया, अगर उनसे शक्ति नहीं मिलता मैं रियाज नहीं कर पाता। रियाज से बात आई कि बनारस के शांता प्रसाद जी हो, किशन महाराज जी हो, इन सब लोगों की जिस तरीके से उन्होंने तबले का रियाज किया उसकी कहानियां तो अनगिनत है। आप गुरु जी ने 7 साल संकट मोचन में रह के मंदिर में सुबह 4 बजे आरती करते थे, फिर खाली भोग ही वहां खाते थे और वहीं पर रह करके टीन का वो उनके पीछे कमरा था, उन्होंने मुझे खुद दिखलाए थे, आज वो कमरा नहीं है, वो टूट के पक्का हो गया है, तो वहीं पर वो रहते थे 7 साल। घर के साथ कोई संपर्क नहीं था, किसी के साथ मुलाकात नहीं था, और आरती के बाद वहीं बैठ के सारा दिन वो बजाते थे 7 साल 7 बरस वहीं पर। तो उनका शक्ति नहीं होने से ना रियाज मुश्किल है। आप, मैंने देखा है कि इस उम्र में भी आप को रियाज करते मैंने देखा है। डेहराडून में मेरा सौभाग्य था कि पंडित राजन साजन मिश्रा की वजह से हम मिले। ये तो बहुत आपके दोस्त है राजन जी। इसमें एक बात मुझे सडनली याद आ गई कि आपने हर संगीत में तबला बजाया, सोलो भी बजाते हैं आप, महाराज जी के साथ तो बजाया, बिरजू महाराज जी के साथ, पंडित रविशंकर हो, विलायत खान साहब हो, एक से एक नामी कलाकारों के साथ। तो यहाँ और गायन में राजन जी साजन जी के साथ तो मैंने खुद सुना है आपको, तो नहीं, इसमें बात यह है कि सब बजाते लेकिन गायन के साथ कैसे बजाना है, इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे बजाना है, नृत्य के साथ कैसे बजाना है और सोलो क्या बजाना है, ये फर्क समझ के बजाना जो आप बजाते हैं अपने। इसका कारण है, इसका एक टेक्निकल कारण ये है, मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाना गाते थे और मां से तार बजाते थे, तो घर में वो बजा के जब हम लोग रियाज करते थे तालीम उनसे मिलता था जी। और पिताजी बंदिश गा के हम लोग को बताते थे कि फलाना घर में ऐसे बंदिश होता है, इसके साथ ठेका ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा ठेका होना चाहिए, अच्छा लगी ऐसे बजना चाहिए, लड़ी ऐसे बजना चाहिए, तो अच्छा, बहुत अच्छा वो गाते थे। और माँ चितार में गत जो है डिफरेंट टाइप ऑफ गत बजा के बताती थी कि इस गत के साथ ऐसे संगत करना है, यहाँ आना है, यहाँ गत का मुंह है, यहाँ वो है, ठेका ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ये सारा तालीम तो है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई भी स्पेशली तबला वो अपने आप को भूल करके संगीत का मजा ले, गाना खुद गाए और खूब सुर का मजा ले, तो तबला भी सुर में बजेगा और तबला वो वैसे ही संगत करेगा। वो कभी गाना को बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि गाने वाले के साथ खुद गाए जाओ, मजा लो और मजा लेके बजाओ, जहाँ बजना चाहिए वो बजना चाहिए। आमतौर से कभी कभी हम लोग ऐसे भी मिस करते हैं कि जहाँ बजना चाहिए वहाँ बजा नहीं, जहाँ नहीं बजना चाहिए वहाँ बज रहा है, और जो बज रहा है जहाँ नहीं बजना चाहिए वो बज रहा है, वो उसका कोई माने नहीं है, वो फिर फालतू हो जाएगा। लेकिन जो हाँ बजना चाहिए वहां ठीक से बजाओ तो उसका बहुत बड़ा माने होता है। अभी बनारस का जो ठेका है वो बहुत लोग उसको कहते हैं कि बनारस का ठेका, तो
बहुत तेज बजाना, आपके टुकड़े कायदे सब लोग बजाते हैं, लेकिन ठीका जब बजाते हैं तो ठीका और उसकी लय जो पकड़ के आप बजाते हैं वो भी एक अनोखी चीज है, और उसका रियाज आपने कैसे? लय का साधन करना, डोरा जिसको कहते हैं, डोरा का साधन करना उसका अलग अलग रास्ता है। कठिन है, पेशेंस की बहुत जरूरत होते हैं, तो डोरा का अलग रियाज करना चाहिए। और ठेका का फिलोसॉफी क्या है, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। पंडित गंठे महाराज जी जो मेरे पिताजी के गुरु थे, तो वो बैठ के तालीम दे रहे, मैं बच्चा मैं कोने पे बैठ गया हूं। तो तिंताल ठेका का तालीम हो रहा है, तो गुरुजी हम लोग बब्बा बोलते हैं, तो बब्बा हम लगे बेटा राधा जी बहुत खूबसूरत नाती, तो सोचो कि जमुना से पानी ले करके भींगे कपड़ा में वो जा रही है, तो उसका बदन का जो है हर अंग कैसे उहिलता हुए जाए, इसको थोड़ा सोचो। और ठेका का लय और डोरम ऐसे ही होना चाहिए। तो ये सब फिलोसफी और ये सब तालीम जो है, ये सब बचपने से हम लोग सुनते आए हैं। आज मेरे गुरुजी का तबला तो अलग है, कल रात को ही हम सभी लोगों को बजाते थे कि पंडित गंठे महाराज जी का तबला आप लोग सुनेंगे, सुनते अगर आज भी अगर रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाए ठीक से डार्क रूम में, तो आपको सही में लगेगा कि किसी मंदिर में आप बैठे हैं, पूजा हो रहा है। उनके हाथ में इतना मिठास था और ऐसा वो भाव था उनका, जो एकदम भगवान दर्शन जैसे लगता था उनका। और बहुत प्यारे इंसान थे, अरे धीरे से बात करते थे लेकिन बहुत ही अहम बात कह जाते थे। तो ये सब जो है फिलोसॉफी के मन से जो है ऐसा मिजाज बनाना चाहिए, फिर जाके बनारस का ठेका जो है, बनारस का कहीं का भी ठेका बजेगा ठीक। मैं तो घराना बनारस का जरूर हूं, उस दिन भी मैंने बोला कि ज्यादा घराना घराना नहीं, संगीत सोचो। आज जिसका बहुत जरूरी है, बच्चे लोग नाम करने के लिए पैसा कमाने के लिए घराना भी भूल जा रहे हैं, संगीत भी भूल जा रहे हैं, अपना प्रिंसिपल भी भूल जा रहे हैं, इज्जत भी भूल जा रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अपने आप को प्रतिष्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, तकलीफ तो होता है। और एक बात मैं कह दूं कि किसी भी अमीर घर में ना रविशंकर पैदा हुए, ना राम संत प्रसाद पैदा हुए, ना किशन महाराज पैदा हुए, ना पटवर्धन जी पैदा हुए, ना बड़गोला मलिक खां पैदा हुए, गरीबी में ही पैदा होता है। कवि साहित्यिक कलाकार पेट में भूख नहीं है, दिल में भूख नहीं है, तो कैसे बन सकता है कलाकार? नहीं बन सकता। आंख से रोज आंसू आना चाहिए, दर्द ही कला का स्रोत है। बिल्कुल, दर्द ही तो ऐसा है कि हंस हंस के जो दर्द को एक्सेप्ट कर ले वही कलाकार बन सकता है। क्या बात, बड़ी बात। एक सबसे बड़ी बात यह भी है, जब तक आप अंधार में हैं दर्द, तब तक आप रोशनी का खोज करेंगे। सही बात, रोशनी मिल गया तो फिर रोशनी आप नहीं ढूंढेंगे। इसलिए मैं समझता हूं, पता किसी ने कोई बड़े
कवि हो या फिलोसोफर हो कहा जरूर होंगे, लेकिन मैं ये अपना अनुभूति है कि रोशनी, पैसा, संपत्ति ये बिगड़ता है, इंसान को बिगड़ डालता है। एकमात्र दुख जो आदमियों को सुधार के रख देता है। तो इसलिए जो है कलाकार या सही इंसान बनना हो तो दुख से मत हटा करो, सुख से बल के हटा करो। ज्यादा सुख अच्छा नहीं है, ज्यादा सुख अच्छा नहीं है। इसी वजह से तो हिप्पी और पंक लोग पैदा हो रहे हैं सब। ये ज्यादा सुखी है इसलिए बोर हो गया जिंदगी से, कुछ करने को बाकी नहीं रहा इसीलिए ये भी बन गया। इसका है फिर यही कारण है, लेकिन जो दुखी है वो जिंदगी, हर रोज जिंदगी कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है और उससे क्या क्या नहीं बन रहा है। लेकिन संगीत में जो डूब गया वो तैर गया। बिल्कुल, अब संगीत में डूबना ही तो मुश्किल है, मुश्किल है। अब हर वक्त डुबकी लगा के उठे और पैसा देके तो फिर मुश्किल है। आपका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा है, हिंदू ने दिया था, लयदारी एंड तालदारी इज नो लेस देन रागदारी। एकदम। तो ये जो लयदारी और तालदारी है इसमें का संगीत आपने कैसे ढूंढा है? ये संगीत बहुत, क्योंकि रागदारी में तो सब बोलते कि आह आला, मुश्किल सवाल है। ये राजन मिश्र जी का तालीम है, तो ज्यादा राजन मिश्र जी से उत्तम भटन किए ने। ये क्या है, लयकारी और लयदारी दोनों चीजें अलग है। लयकारी जो साध्य हुए, जो तालीम हुआ, जिसको साध्य हुए कंठस्थ करके जिसको पेश किया जाता है, जो लय पे किया जाता है, वो है लयकारी। और लयदार जो लय किसी भी लय को लेके चल सकता है, घंटों किसी भी लय पे ठहर जा सकता है, भले ही तीन ताल हो लेकिन मध्य लय, दो दिन तक मध्य लय सुनाओ तीन ताल, वो मुश्किल काम है। और ये है लयदार। तो दोनों का फर्क अगर समझ में आ गया तो सब कोई लयकार लयदार बन सकता है। लयकारी से ही लयदारी बनेगा, जो गुरु शिक्षा देंगे उसको आगे बढ़ाना है, उसको ताली देके बोलना है, उस पर गौर करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और सबसे बड़ी बात है संगीत में, एक चीज है कि सुप्रियर के साथ जो है हमेशा, आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, उनके साथ उनको सुनाओ, उनके साथ रहा करो, उनका बातचीत करो, तो धीरे 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 आपको लयकारी लयदारी सब समझ में आ जाएगा, है ना। ये एक बहुत मजे की बात है कि आमतौर से साइकोलॉजिकली हम एक उम्र के ही पार्टनर ढूंढते हैं। ये भी भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम बूढ़ों का साथ किया जाना। इसी वजह से थोड़ा समझ में आया। तो अगर आगे बढ़ना चाहते हो, बच्चे लोगों को मैं कह रहा हूं, वो बड़ों के साथ रहा करो, जो तुमसे आगे है, जो तुमसे आगे समझते हैं, तुमसे आगे देखते हैं दुनिया। गुरु क्या चीज है? गुरु तो दुनिया तुमसे आगे देखा है, इसी वजह से वो गुरु जो है तुमको बता सकते हैं कि इस पे मत जाओ, इधर में खतरा है, उधर से जाओ, और ऐसे जाओ तो फिर जल्दी पहुंचो, ऐसे जाओ तो फिर ठीक से पहुंचो। तो यही गुरु का काम है। तो इसी वजह से बड़ों से संपर्क रखा करे और बड़ों के अंदर में रहा करे, उनके बातों से चला करे, उनके बात को माना करे, तो आगे बढ़ सकते हो। क्या बात, आपने, आपका घराना तो बनारस का है, लेकिन आपने सिर्फ घराने में अपने तबले को नहीं रखा, आपने बहुत बड़े बड़े तबला नवाजों के
सीखा है बहुत, तनो खेलाल जी से सीखा होगा, शांता प्रसाद जी का सुना है सुन के, तो आपने अपने तबले में हर एक से कुछ न कुछ तो लिया, कैसे क्या आप कहेंगे उसको? इसका कि तो बब्बा कहते थे कि बेटा बेकार गुण कभी गिनती में नहीं आता है, तो इसलिए जितने उस्तादों का या जितने महाराजों का आपको नाम गिनती में आता है सब में गुण है, चाहे वो किसी भी घराने का हो। इसलिए मुझे सबसे प्यार है, सबका तबला मुझे पसंद है, मैं सबका सुनता रहता हूँ। और अच्छे चीजों का जो है अभी दुनिया बहुत आगे चल गया, हम लोग पहले में हमारे बाप दादा से भी पहले में हम लोग धोती पहनते थे, आज हम लोग जींस पहन रहे हैं। तो अगर पहनने में तरक्की किया तो तबला क्या दोष किया? तबले में भी लखनऊ घराने में थोड़ा सा जींस आ गया है, तो जींस हम बनारस में रहेंगे करेंगे भाई, है ना? तो अच्छे अच्छे चीजों का जो है अध्ययन करना चाहिए, और हर अच्छे चीजों को लेके उसको देख के सोच के बजाना चाहिए, और सबको मिला करके फिर अपना एक अलग कर, कि ऐसे ही तो घराना शुरू हुआ। ये जो घराना घराना बातचीत है, कोई दिल्ली घराने में ऐसा कोई कह सकता है कि दिल्ली घराने में फलाना चीज ऐसा है तेते, वो दिल्ली में ही बजा है, लखनऊ में बजा ही नहीं कभी? नहीं है, क्योंकि तबले में 8-10 तो सेंटेंस है, वही शब्द है, इसको जुड़कर जुड़ करके को 12-14 हो जाता है, और उसी में सारा बोल है। तो सब जगह तिरकिट बसता है, सब घर में सब कुछ बसता है, अदाकारी को घराना कहते हैं। और अदाकारी कुछ अलग अलग हुआ तो वहां के स्टेट का, वहां के जो महाराज थे उन्होंने ऐलान किया कि अगर ऐसा तबला किसी का नहीं है तो इसको दिल्ली घराना दिल्ली के नाम से रखा जाए। लेकिन तबले में धाती धाती ना धात्र धाती धाती थी ना कि ना, कौन सा उस्ताद ने नहीं बजाया? तो इस वजह से जो है घराना जो है एक स्टाइल है, घराना जो है एक टोटल टोटलिटी है जिसको घराना बोलते हैं। किसी बोल दो चार ठो बजाने से वो घराना मेंटेन नहीं होता, घराना जो है वो पूरा एक टोटल स्टाइल है, टोटल जो आपका बजाने का ढंग होगा उसको घराना बोलते हैं। तो तबला कम से कम पहले सीखो बजाओ, उसके बाद घराना दिखाया जाएगा, वो गुरु सिखा देंगे कैसे घराना मेंटेन करते हैं। पहले से ही घराना घराना करके माथा मत खराब करो, ऐसा है तबला ठीक से बजाओ, घराना ठीक से गाओ, फिर उसके बाद घराना समझना। गले में पंचम दहीपत लग ही नहीं रहा है तो घराना से क्या करोगे? मैं फलाना घराने का गाना गाता हूँ, कहा तुम गाते हो, साई नहीं लग रहा है तुमसे। तो इस वजह से जो है घराना, मैं सब घराना सुना और सबका बहुत बेहतरीन जो भी चीज है उसको लेके मैंने अपने ढांचे में ढाला, जो अपने अंदर में म्यूजिक है। मैंने हॉल में कहा मैंने कि इंडियन म्यूजिक का सबसे खूबसूरत बेहतरीन जगह क्या है, कि एक ही ताल, एक ही बोल, एक ही राग डिफरेंट डिफरेंट सुनने को आता है। क्यों? इसलिए कि हमारे म्यूजिक जो है अंदर का जो म्यूजिक है वो बाहर आने लगता है मिक्स होके, तो इसलिए ईमान, आपका ईमान अलग हो जाता है, उनका ईमान अलग हो जाता है। तो ईमान उनके अंदर में जो म्यूजिक है उससे अलग हुआ, ईमान तो वही मन है। तो तीन ताल हम जो बजाएंगे वो हमारा तीन ताल है, हमारे अंदर जो तीन ताल बजता है वो है, इनके अंदर तीन ताल इन जैसा कुछ बजेगा। तो इस वजह से जो है घराना वराना जो है वो सब ज्यादा बुखार उसका नहीं रखने का, तबला ठीक से बजाने का, संगीत से मजा लेने का, और सबका सुनो, सबका कदर करो, सब जितने भी गुणी लोग हैं सबका कदर करना चाहिए, सब घराने का कदर करना चाहिए, सबका सुनना चाहिए। बहुत आपने जिंदगी में जैसे कहा कि आप
बुजुर्गों के साथ रहा करो, बच्चों को कहा। आपने बहुत बुजुर्गों के साथ काम किया, उनके साथ तबला बजाए, इसमें से सबसे बड़े यानी भारत रत्न रविशंकर जी, उनसे कैसी आपकी मुलाकात हुई और रविशंकर जी के साथ का अनुभव? 11 साल उनके साथ, मैं जानता हूँ सिर्फ आप सूटकेस बदलते थे और फ्लाइट से पूरी दुनिया में आपने उनके साथ तबला बजाया। मैं ब्रीफली बताता हूँ, तो मेरे पिताजी और माँ बनारस गए थे, ऐसे बहुत दिन से गए नहीं, तो बहुत वर्षों के बाद हम लोग जबरदस्ती टिकट विकेट बना के सब इंतजाम करके दिए। और पिताजी जो पंडित कंठे महाराज जी के पास गंदा उन्होंने माना था, तो इसके पीछे आंसू भट्टाचार्य जी के बहुत बड़ा हेल्प रहा, हाथ रहा, तो उनको वो बहुत मानते थे और हेल्प थे, वो सीनियर भी थे सबसे, मेरे गुरु जी से भी सीनियर थे। तो पिताजी ने बोला बनारस जाते ही कि अगर बनारस आ गए तो आंसू दास से मिलके जाएंगे, अगर उनके मिले तो हम जाएंगे नहीं, तो चलो। तो माँ और पिताजी गए उधर आंसू दास से मिलने, और जैसे उनके घर में बैठ के बातचीत चल रहा था, उतनी देर में, ये विंटर की समय था, तो रविशंकर जी का फोन आया, लैंडलाइन सर मोबाइल नहीं था, तो रविशंकर जी का कोई काम कुछ था, तो वो आशुदा को फोन करके बोले कि दादा आप घर से मत निकलिए, कहीं जाइए मत, क्योंकि आशुदा भाई प्रोफेशन आशू बाबू जो है वो डॉक्टर थे, कवरेज डॉक्टर थे मतलब, तो बोले आप मत जाइए, मैं थोड़ा शंकर मोचन जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, वापसी में आपसे मिलके आऊंगा, मुझे बात है जरूरी, बात करना है। तो आशू बाबू बोले कि आप आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी हम रखे हुए हैं। और वो कौन सा सरप्राइज, बोले तुम आओ। तो खैर वो दर्शन वर्शन करके आए, तो घुसते ही मेरे पिताजी और माँ बैठे थे, तो उनसे मिले, नजर गया। तो रविशंकर जी का एक गुण कि आज अगर किसी से मिल ले 40 साल के बाद भी उसको देख लेंगे तो बोल देंगे, इतना मेमोरी उनका है। मैं इसका एक बताऊंगा, इसको मैं खत्म करता हूँ। तो बोले दादा विश्वनाथ भारती, तो बोले हाँ दादा ठीक है। बोले अरे तुम लोगों से मैं बहुत नाराज हूँ, इधर उधर की बातचीत तो हुआ ही, तो बोले मैं बहुत नाराज हूँ तुम लोगों से। तो पिताजी बोले क्यों? बोले यार तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा बजा रहा है, मुझे मालूम है, और हमें खबर नहीं, हम लोगों से तुम लोग समझो करते ही नहीं तुम लोग। तो पिताजी बोले आप अभी रविशंकर जी है, रघुदा कहाँ है, अभी आप तो पंडित रविशंकर है, आपका फोन नंबर से लेकर के कुछ अता पता हमारे पास है नहीं, तो कैसे संजोग करें, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो उस वक्त दूसरे बातचीत के बीच में तो पंडित जी ने कहा कि मैं खुद अपना प्राइवेट दे रहा हूँ, हमसे जरूर तुम लोग मिलो दिल्ली आके, और कुमार को बोलना कि हमसे मिले, हमें जरूरत है, उनसे मैं बात करूंगा। अब उन दिनों मैं अमजद अली खान साहब और विलायत खान साहब दोनों के साथ मेरा सुबह शाम प्रोग्राम, तो मिलने का मुझे टाइम नहीं है, और पंडित जी दिल्ली में है तो मैं मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं दिल्ली गया तो वो कहीं और है, ये क्रॉस चल रहा है। खैर कलकत्ता में जाके माँ मिले उनसे, और टॉनी इनके पिताजी भी जाके मिले, लेकिन हमारा मौका नहीं हुआ। तो ऐसा करते करते काफी एक दो महीना चला गया, फिर मार्च में वो चले गए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में वो वापस चले गए अमेरिका, और लास्ट वीक में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उनको हम लोग पीटीआई में डाले थे न्यूज, तो उनको ट्रिब्यूट पेपर में वो मिला था, तो बड़े अफसोस किए, और अमेरिका से उन्होंने माँ को फोन किए कि मुझे बड़ा अफसोस है, अभी हमें मिल के आया, ये कैसे क्या हो गया, खैर मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ, तुम हमसे मिलो। माँ तो उस घर में अली अकबर खान साहब से सीखती थी, तो पंडित जी और अली अकबर खान साहब के बहुत नजदीक वो रहती थी, मतलब हर प्रोग्राम में जाती थी साथ में ये सब। तो खैर वो आए, तो फाइनली मुझसे मुलाकात हुआ जब कि वो वापस आए, तो मैं माँ को लेके लाला जी के घर में वो ठहरे थे
कलकत्ते में, तो वो वहां में गया। तो वहां उन्होंने हमसे दूसरा बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि तुम पिताजी के नाम से कुछ प्रोग्राम करो। तो मैंने पंडित जी से कहा कि हाँ करने का प्लानिंग तो है, हम करेंगे। उन्होंने नहीं, प्लानिंग क्या, तुम करो और जरूर करो, बहुत बड़े उसमें करो और मैं बजाने वाला हूं। तो मैं डर गया, मैंने कहा नहीं ये तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन अभी पता नहीं, मैं आपसे संजोग करता हूँ। बोले तुम इतना झिझक क्यों रहे हो, क्या हुआ, तुम पैसे के बारे में सोच रहे हो, तो पैसा तो तुमसे हमने मांगा नहीं, अपने बाप के नाम से प्रोग्राम करोगे पैसे का चिंता क्यों है, हम बजाएंगे तुम दुबे से डेट ले लो, पैसा वैसा का बात मत करो, करो। तो ये प्रोग्राम हमने बाद में सब हुआ, तो ये आनंद सिनेमा हॉल में हमीर बजा के पहला राग और ये सबसे पहला प्रोग्राम मेरा रहा। आपने संगत किया? मैंने किया। क्या बात। और मैंने एक दिन पहले वो आ गए थे कलकत्ता, तो मैंने फोन किया जाके मिले, मैंने कहा मैं तबला लेके आना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। बोले क्यों भाई, तुम अमजद अली खान विलायत का बजाते हो, तुम हमारे साथ बैठ के रिहर्सल करोगे, ये क्या टैगोर सॉन्ग है या डांस डमा है, रिहर्सल करो, चलो जो होगा स्टेज में होगा। मैंने कहा गए, मेरा छुट्टी। लेकिन प्रोग्राम जोरदार रहा, गुरु के कृपा से बहुत अच्छा रहा। वो ध्रुत एक ताल आज भी मुझे याद है, ध्रुत एक ताल में झाला, वो क्या दर्जा था उसमें। तो प्रोग्राम के बाद पंडित जी जहाँ हाजिर होते वहां तो भीड़ भूड़, ये सब बात तो लाठी चार्ज वगैरह सब हो गया, वही अंदर में प्रोग्राम होता रहा। और प्रोग्राम के बाद फिर बोले कि अभी तो भीड़ है, तुम बात नहीं कर पाओगे, और कल सुबह, मैं कल का दिन हूँ परसों जाएंगे, तो कल तुम दिन को कभी भी तुमको समय मिले तो हमसे मिलो। तो हम जाके मिले थे, तो उसी से उन्होंने हमको ऑफर दिया था कि ये अल्लाह का था, सबका थोड़ा तबीयत मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, वो तुम करना नहीं चाहते, वो अभी घर में रहना चाहते, तो उनकी जगह तो किसी को मुझे पसंद है, मैं पूरे हिंदुस्तान में सबके साथ बजा चुका हूँ, मुझे बनारस का तबला वैसे भी पसंद आता है और मेरे को तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा लगा, अगर तुम हमसे बजाओ तो ऐसे आप बोल रहे हैं बात है तो मैंने कहा मैं जरूर बजाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि मुझे एक साल का समय चाहिए। हाँ हाँ ले लो, क्योंकि एक साल तक मेरा पूरा वो अमजद अली खान साहब और विराट खान साहब के साथ बुकिंग था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक साल का समय चाहिए, क्योंकि जितना कमिटमेंट हमने किया ये सब मुझे बजाना तो है, मैं बीच रस्ते में बोला नहीं 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 बिल्कुल नहीं, टू टेक योर टाइम, और मुझे भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहाँ सारा पोस्टर से लेकर के सब सेटअप चेंज करना पड़ेगा, तो एक डेढ़ साल समय तो लगेगा, तो लेकिन ये पक्का है मैं जाके तुमको चिट्ठी भेजता हूँ, तुम थोड़ा साइन करके देना। तो 1983 से हम लोग शुरू करेंगे, तो ये 1980 का बातचीत है, 81 हमारा गया, 82 फिर 83 में हम लोग शुरू किए। बड़ा जिम्मेदारी का काम था, पहला प्रोग्राम वो इतना डरा दिए थे मुझे, पहला ही प्रोग्राम था करना की में न्यूयॉर्क में बहुत बढ़िया। तो सुबह लंच पे उनको बोल रहा है एक चीज तुमको बता दे, देखो अमेरिका में खास तौर से यहाँ लोग हमारे बगल में उस्ताद अल्लाह रखा और नहीं तो चतुर्लाल, ये दोनों आदमी को देखते हुए आए हैं, अब उसकी जगह में तुम आए हो। इसको ध्यान रख के जो है तुमको जो कुछ भी करना है वो कहा बोलो कहा मैं, और उस समय मेरा उम्र कुछ 40, तो मैंने कहा देखिए आपका आशीर्वाद रहेगा, गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा तो आप बजवा लीजिए तो बचेगा, नहीं तो कैसे क्या होगा। तो खैर थोड़े ही दिन में थोड़ा हम लोगों का भी एक प्यार बना, रविशंकर कुमार बस करके एक प्यार बन गया था और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो ये ऊपर वाले का सब होता है,
कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन भक्ति भाव से और विश्वास अगर गुरु के ऊपर रहे तो मिलता है, ये मेरा जिंदगी का अनुभव है। लेकिन हाँ, गुरु के ऊपर जो है भक्ति भाव नहीं, उससे नहीं होगा। प्रेम होना चाहिए, गुरु के साथ प्रेम होना चाहिए। और ध्यान में ये रहे, आज मैं बोल रहा हूं, मैं पहले जब तक जिंदा थे गुरुजी हम बोले नहीं, क्योंकि कभी कभी बोलने से बिगड़ता है बात, इसलिए मैं बोले नहीं। मेरा एक ध्यान था जो माँ ने हमको तालीम दी थी कि गुरुजी का कभी दुख तो दूर की बात है, मिजाज ना बिगड़े मुझसे, वो हर वक्त खुश रहे, हंसमुख। तो 40 साल हम उनके साथ, और आप सबको मालूम है कि गुरुजी खुश रहते थे, और गुरुजी का बल्कि हमको जो है उस बात का तकलीफ होता था, क्यों कि इतना ज्यादा ही खुश रहते थे ना, तो उनको जो है मतलब इधर ताबूतो कुमार, उधर ताबूतो कुमार, उनको शॉपिंग में जाना है कुमार को चाहिए, उनको कुछ खरीदने जाना है कुमार को चाहिए, प्रोग्राम में कुमार को चाहिए, तबला सोलो बजाना तो कुमार का हारमोनियम चाहिए, बाजा अगर शहर में कुमार है, एक शहर में दूसरे दूसरे होटल में रहना उनको पसंद नहीं है। दिल्ली में मैं किसी और प्रोग्राम में गए और वो किसी और प्रोग्राम में गए, लेकिन उनको पता चला कि मैं दिल्ली पहुंचा, और मोबाइल तो था नहीं, तो वो उन पता करके जो मैं जहां मैं ठहरा था गेस्ट हाउस में, वहां का फोन नंबर उनको पता चला, और वो फोन लगाए हमसे। मैंने कहा गुरु जी पाला जी, बोले पाला जी ने ये बताओ कि मैं तुम्हारे वहां आऊं कि तुम इधर आओगे। गुरु जी मैं आ तो बोले तुम आ जाओ इधर, ये तुम अलग मैं अलग, ये कैसे होगा, इधर आ जाओ। तो मैं वॉरंट सूटकेस वगैरह ले करके मैं उधर उनके वहां चला गया, और उन्होंने फिर रूम वूम दिलाए, जबल ये हरबल्लभ में बजाए। ये बड़ा मजे का स्टोरी है, मेरा भी प्रोग्राम गुरु जी का भी प्रोग्राम, हम पहुंचे वो भी पहुंचे, तो रात को इतना खाना वाना हुआ, फिर प्रोग्राम भी हो गया, तो गुरु जी पूछ रहे थे जब प्रोग्राम से वापस आए कितने बजे तुम्हारा ट्रेन है, तो हम बोले गुरु जी सुबह 6 बजे। ये कौन सा गाड़ी तुमने कर लिया, बड़ा बेटू का काम किया है यार, इतने सर्दी में कोई सुबह 6 बजे गाड़ी में चलता, गुरु जी इसी में मिलना। तो बोले अरे रहन दो, तुम हमारे साथ चलो आराम से, 10 बजे चलेंगे हम लोग, अरे 10 बजे चलेंगे हम लोग। अब गुरु जी के ऊपर तो बोल नहीं सकते, लेकिन मैं मन में सोच रहा हूँ टिकट मिला है 6 बजे, इसको कैंसिल कौन करेगा, कैसे क्या होगा। तो जी गुरु जी, अब सुबह 6 बजे की गाड़ी तो गए, अब उनके साथ स्टेशन गए, फिर 10 बजे की गाड़ी उनके साथ फर्स्ट क्लास में चले। अब टीटी आए, अब टीटी आके मैं बैठा हूँ, गुरु जी है, तो वो टिकट देख रहे हो, एक दो बार ऐसे ताका तो गुरु जी बोल रहे क्या देख रहे हो, दूसरे गाड़ी का टिकट ना है। तो टीटी बोले हाँ ये तो गाड़ी सुबह चल गया तो अच्छा उनका पर्सनालिटी तो टीटी बहुत जोरदार कुछ बोल नहीं पा रहा है। बोले सुनो ऐसा है, ये हमारे शागिर्द हैं और पूरे विश्व में इसका नाम है कुमार बोस, जानते हो। अभी मैं शिष्य को छोड़ करके कैसे जाऊं, इसलिए मैंने इसको रोक लिया कि तुम हमारे साथ चलो। अब इन्होंने टिकट तो लिया है ना, सरकार को पैसा तो दिया है दिल्ली जाने का, ऐसा नहीं कि वो बिना टिकट से जा रहा है, पैसा तुमको मिल गया ना, खाली गाड़ी बदल गया तो क्या हुआ।
ऐसा भी तो हो सकता था कि वो पिछले जो गाड़ी है वो खराब होके पड़ा है, इसलिए जो है वो हमारे साथ जाएगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं। ये सामने जो एक बूढ़ा सरदार जी वो बंक में सोए पड़ा था। सरदार जी आप अकेले हैं? तो सरदार जी महाराज, तो आप अगर मेहरबानी करके बगल वाले में चले जाए तो मैं और मेरा साथी देख सा बुढ़ापे में सहारा चाहिए बेटा जैसा है। अब वो सदा यार जी गुरु ना मैं जी मैं गजी पर आजी हूँ और मैं दिल्ली आ गया हूँ किसान वही टिकट में जा। तो ये पर्सनालिटी और मतलब उन लोगों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन हमारे साथ ये प्यार था। उनको आते समय मैं अपने टाइम से आ जाऊं, गुरु जी मैं 7 बजे, हाँ तुम 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आए हाँ तुम आ जाओ तुम कभी भी। जाने के लिए अगर एक बार हमने बोल दिया कि गुरु जी रात को 9 बज रहे हैं मैं चलूं, तो आए क्यों थे? सुबह 8 बजे आए, एक साथ खाना खाया, रात को 9 बज रहा है, आए क्यों थे? सुनो तुमको काम होता है तुम बिजी हो ना, तो इधर मत आया करो, जब तुम फ्री हो तब आया। वही एक दिन से मैंने सारी जिंदगी में जाने का बिंदा नहीं किया करूँ। और उसका हालत ये है कि कभी रात को 2 बजे हमको छुट्टी मिलती थी, कभी 1 बजे गाड़ी मिले ना मिले उनको कोई कुछ नहीं। अच्छा तो तुम जाओ सुबह 7 बजे, 2 बज रहा है कितना दूर जाएंगे ये नहीं उनको मालूम। अब बनारस में भी गई मैं अपने वाइफ के साथ भी उनके घर में गया, तो रात को 2 बजे अब तुम जाओ, और बनारस के सुनसान रात में मैं अपने वाइफ लेके मैं जा रहा हूँ, ये हालत है। तो इतना प्यार भी था मुझसे बहुत, हर रोज एक बार आके टेलीफोन का बिल दिखाया मैंने, ये देख लो एसटीडी का बिल खाली तुमसे बात करने का। तो दूसरा कोई ऐसा इंसान नहीं था कि गुरु जी के साथ मजाक करे, लेकिन मैं कर लेता था। मैं भी उनको गुरु जी खाम खा रहे इनकम टैक्स में देते, अच्छा है कि हम बात कर लिए, खर्चा तो दिख रहा है। अमेरिका से घूम के आए और हमको बोल रहे हैं तुम्हारे पास बैंक में कितना पैसा है? मैंने कहा गुरु जी क्यों? बोला अरे यार सब पैसा हम बैंक में डालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ डॉलर तो मुझे दो। चलो कोई बात नहीं, गुरु के लिए पैसे ना देना है तो दे देते थे। ऐसा मतलब गुरु से ये प्रेम भक्ति रहना चाहिए। डांट पड़ता था कभी कभी, गलती हो तो डांट पड़ता था कभी, लेकिन नाराज कभी नहीं हुए गुरु जी, क्योंकि गुरु का नाराज होना और गुरु के आंख से आंसू निकल जाना ये बहुत बड़ा अभिशाप होता है, ये कभी मत होने देना, कभी मत होने देना चाहे कितना भी तकलीफ हो। और सब तकलीफ का जो है सब आसान हो जाएगा खाली गुरु के नाम से प्रेम भक्ति होना चाहिए। बहुत खूब बहुत खूब। अब इसके बाद मैं कुछ कहूं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज पंडित जी ने जो गुरु की महति और गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए ये जो आप सब लोगों को सीख दिया है, मैं समझता हूं कि आप सब लोग इसे अपने दिल में बनाए रखेंगे और यही उनके प्रति जो आपका आदर है, और आज की गुरु पूर्णिमा में गुरु चरणों में यही हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको भी ऐसा ही गुरु प्रेम मिले और आप भी गुरु के प्रति अपना भाव ऐसा ही प्रेम का रखें। धन्यवाद। Thank you.